कल से एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर उल्लंघन में भारतीय सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं। अश्विनी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी इस वक्त। खबर ये भी मिल रही है कि एहतियातन आसपास के इलाके के 84 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, रिहायशी इलाके में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है सुरक्षा को देखते हुए, इस पर और क्या जानकारी मिल रही है? जी साफ जाहिर है कि सरकार ने जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुंछ या रजौरी में जितने भी है, रजौरी जिला में 84 जो स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 किलोमीटर के अंदर तक जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे जो है स्कूल जो है अगले 3 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि कभी भी फायर दोबारा खुल सकता है, क्योंकि भारतीय सेना इसका पूरा जवाब देगी। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात हुई है पुंछ और रजौरी में, जितने भी सेफ एरियाज है चाहे वो स्कूल है सरकारी बिल्डिंग है, उनको जो है पूरा जो है खाली करवा लिया गया है। नौशहरा का इलाका काफी सेंसिटिव है, शेलिंग और फायरिंग हुई थी कल, वहां से भी जो है जो कुछ लोगों को निकाला गया है कि वहां से भी जो है फायर जो है पाकिस्तान की तरफ से सिविल एरिया पर ना गिरे, उसको देखते हुए इतातन जो है पुंछ रजौरी में पूरा अलर्ट किया गया है। और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, गांव गांव में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं और लोगों को कहा गया है कि अपने जितने भी कैटल्स हैं, मालवेशी हैं और सुधीर, यही जिस बात की जानकारी यहां पर अश्विनी दे रहे हैं कि इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन उसके साथ ही एहतियातन वहां कई कदम भी उठाए गए हैं। यहां दिल्ली में क्या चल रहा है, किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया जा रहा है? देखिए, सिचुएशन रिव्यू से भी ज़्यादा जो जिसके ऊपर मैं थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूँगा या रोशनी डालना चाहूँगा, यह कि फोर्सेस जो है अपना जो पुंछ रजौरी ये जो पूरा एलसी का जो आपका 16 कोर वाली जो इलाका है, शमशाबाड़ी के साधन एरिया जो है उसमें पूरा पूरी छूट दिया हुआ है कि आप लोग रिस्पॉन्ड करिए जिस तरीके से आपको लगता है कि सही है और ठीक है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि सेना और बीएसएफ जो वहाँ पे जो पोस्ट में है, इनको बोला गया है कि भाई आप रिस्पॉन्ड करते रहिए, पाकिस्तान जिस हिसाब से वहाँ से सीज फायर वायलेशन हो रहा है ठीक उसी हिसाब से आप लोग रिस्पॉन्ड करिए। जहाँ तक आप रिव्यू की बात कर रही है या यहाँ पे जो मॉनिटरिंग की सिचुएशन होती है, हम लोगों को जो अब तक जो समझ में आ रहा है कि शायद डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी, टेलीफोन पे दोनों देश की डीजीएमओज कनेक्टेड हैं और हर हफ्ते में एक बार कम से कम बात होती है, लेकिन जब आप सिचुएशंस बाहर चला जाते हैं, हाथ से बाहर चला जाता है, तो अक्सर अमूमन हमने देखे हैं कि पाकिस्तान की डीजीएमओ से हमारे डीजीएमओ के यहाँ पे कॉल आता है और बार बार ये भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई आप लोग कम करिए। तो इसके जवाब में हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं सेना की जो रुख है, जो जवाब है, वो बड़ा सिंपल है कि आप पहले वहां से आतंकवादी भेजना बंद करें, सीज फायर वायलेशन बंद करें, नहीं तो हम इस साइड से लगातार हम लोग भी जवाब देते रहेंगे। सुधीर, जिस बात का जिक्र आपने किया कि बातचीत का रास्ता तब खुलेगा जब आतंकवादी जो गतिविधियां लगातार चल रही हैं उन पर रोक लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी बैक चैनल टॉक्स का रास्ता खुला हुआ है। और अब बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने कल सीज फायर उल्लंघन किया जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जमीन से बरसी गोलियों ने पहली बार नुकसान पहुंचाया हो, बल्कि 2018 में ही नापाक गोलीबारी से 10 जवान शहीद हो चुके हैं और 8 नागरिक जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान की नीयत और नीति दोनों में खोट है, इस हकीकत से दुनिया भी इनकार नहीं कर रही। एक सच्चे साथी का धर्म तो दूर, एक सामान्य पड़ोसी भी नहीं बन सका पाकिस्तान। रविवार को फिर से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। 29 सितंबर 2016 के बाद से बौखलाया पाकिस्तान धोखे और कायरता से बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर गोला बारूद से हमला करता आया है। जी हाँ, 29 सितंबर 2016 को ही भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक भारत और पाकिस्तान में बड़े स्तर पर कुल 9 बार गोला बारूद का आदान प्रदान हो चुका है। इसमें सेना अपना एक मेजर गवा चुकी है।
इसके अलावा सेना और अर्धसैनिक बल के कई जवान भी शहीद हो चुके हैं। 2018 के मामले में अकेले जनवरी में ही 6 जवान शहीद हो गए, जबकि 8 नागरिकों की मौत हो गई। गोलाबारी में 65 नागरिक घायल हुए हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि 2014 से अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हालात कैसे रहे हैं। दहशतगर्दी से जंग में 2014 में 51 जवान शहीद हो गए, जबकि 110 आतंकियों को मार गिराया गया। 2015 में 41 सैनिक शहीद हुए और 113 आतंकियों को ढेर किया गया। 2016 में सुरक्षा बलों ने अपने 88 जवान गवा दिए, लेकिन 165 आतंकियों का खेल भी तमाम हुआ। साल 2017 में 83 जवानों ने शहादत हासिल की, जबकि ऑपरेशन ऑल आउट में 218 आतंकियों को मार गिराया गया। 2018 में 4 फरवरी तक सेना के कैप्टन समेत 8 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन साथ ही 10 आतंकियों को मौत की नींद सुलाई जा चुकी है। हमारे जवान न सिर्फ घाटी में आतंकवाद से लोहा ले रहे हैं, बल्कि बॉर्डर और LOC पर पाकिस्तान के धोखे का सामना करना पड़ता है। अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान के हिसाब बराबर करने का। आज तक ब्यूरो। और इस खबर पर बात करने के लिए लगातार हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं। सुधीर रंजन सेन है दिल्ली से, जम्मू से अश्विनी है, श्रीनगर से अशरफ वानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। बख्शी साहब, कपिल कुंडू, कैप्टन कपिल कुंडू जो शहीद हुए हैं इस हमले में, वो फेसबुक पोस्ट पर अपने स्टेटस पर ये लिखते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 23 साल का एक रौबीला जवान ये विचार रखता है जिसे वो शेयर करता है, और इसे एक खबर पर तौर पर कहते हुए भी हमें भी बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, और ऐसे में पूरा देश इस पर्टिकुलर मसले पर एक साथ खड़ा होता है। लेकिन फिर भी कहां कमी रह जाती है पाकिस्तान से निपटने में, क्योंकि ये घटनाएं तो आम हो गई हैं। अब आप बिल्कुल सही खुद फरमा रही हैं कि ये घटनाएं आम हो गई हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक केवल एकमात्र स्ट्राइक थी और उसके बाद एक और हमने रेपिटेशन करी है ये पिछले 2 साल में। तो 1 साल में आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, जाहिर है ये काफी नहीं। अगर काफी होता तो ये इस प्रकार की वारदातें बंद हो जाती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, 23 साल का बेचारा कैप्टन कुंडू पटौडी का, अभी कुछ दिन पहले मैं पटौडी में गया था, वो मेजर शैतान सिंह का, वो वहां पे बरसी मना रहे थे उनकी, और इस प्रकार से तो हमारे जवानों की शहादत होती रहेगी। मेरे अपने भाई साहब 23 साल के थे जब वो शहीद हुए थे 1965 के युद्ध में, और उसके 1 साल बाद मैं फौज में गया था। हम आते रहेंगे फौज में, मरना अगर हमारा काम है तो हमारे सिपाही अपनी शहादत देते रहेंगे। लेकिन बात यह है साहब कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, दो तीन चार सिपाही हर महीने मरते रहें और पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता रहे टेररिस्टों की? अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको 2003 के दर्जे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी सुधीर रंजन कह रहे थे कि इजाजत है कि जितना वो करे उतना तुम करो, इतना जितना वो करे उतना तुम करो से तो ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला साहब, ये अगले 50 साल चल सकता है लगातार इसी दर्जे हरारत पे। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको दर्जे हरारत बढ़ानी होगी, और ये मैं तो कहता हूं कि ये फौजी टर्म्स में ये केवल चोंचलेबाजी है कि उसने स्मॉल आर्म्स फायर किया, मोर्टर फायर किया, आपने स्मॉल आर्म फायर मोर्टर से जवाब दे दिया, क्योंकि लोग बंकरों में हैं, स्मॉल आर्म फायर और मोर्टर से इतना नुकसान नहीं होता। ये जो नुकसान हुआ है ये इनडायरेक्ट फायर से हुआ है, हैवी वेपन के फायर से हुआ है, और हमको जवाब उससे 10 गुना ज्यादा देना चाहिए अगर हम रोकना चाहते हैं। हाँ, अगर आप चौचलेबाजी करना चाहते हैं तो फिर टिट फॉर टैट चलता रहेगा और वो 50 साल चल सकता है। सवाल लेकिन सवाल यहाँ पर यही है, वाटर एमिनेशन की सवाल यही है कि जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं वो तो सरकार के लेवल पर फिर होगा ना, फिर क्यों पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं? NSS जो है वो दूसरे देश में जाकर बात कर रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छिनता नहीं है, मुलाकातों के दौर फिर भी जारी रहते हैं, ये सब तो यूं ही चल रहा है। देखिए, मुलाकात के दौर जारी रहे ना रहे, पाकिस्तान की फौज आपकी असली दुश्मन है, वही टेररिस्ट भेज रही है, और उस फौज से आपको उस भाषा में बात करनी चाहिए जो उसे समझ आती है, एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फोर्स।
अभी आप उसको फौजी भाषा में बोल रहे हैं कि जनाब इतने दर्जे हरारत तक ये हमको मंजूर है कि हम भी स्मॉल आर्म्स मोर्टर चलते रहेंगे, आप भी स्मॉल आर्म्स मोर्टर चलते रहो, ये सिलसिला चलता रहेगा, हर महीने दो तीन चार सिपाही जवान सिविलियन शहीद होते रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना दिल्ली में ना इस्लामाबाद में, ये चलता रहेगा सिलसिला। आप इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं, इफ यू आर सीरियस देन यू हैव टू एस्केलेट। खैर जो बात आप कह रहे हैं वही सेंटीमेंट और वही भावना इस वक्त सबके मन में है, क्योंकि कैप्टन कपिल कुंडू की तस्वीर जब जब आप देखते हैं अपनी माँ और अपनी बहन के साथ, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है तस्वीर। सवाल बार बार यही कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को कैसे रोका जाए। हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए जम्मू से हमारे साथ। अश्विनी, जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे, 77 आतंकवादियों के घुसपैठ की बात सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा है कि कवर फायर दिया गया उस ताकि ये आतंकवादी घुसपैठ कर सके, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना ने उनके इन इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। जी साहब, जाहिर है कि इस तरह के इनपुट है, करीबन 50-60 जो आतंकवादी हैं, जो कि पहले कुछ लोग आतंकवादी इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी थी, वहां पर बीएसएफ ने उनको फाइल किया पिछले दिनों में, जबकि फॉग भी काफी थी। अब जो है आतंकवादियों की कंसंट्रेशन जो है पुंछ और राजौरी के ऑपोजिट की है, चाहे वो लाब का इलाका हो, चाहे वो पाकिस्तान का जो मीरपुर का इलाका है, जहां की सबसे ज्यादा जो है कंसंट्रेशन है, 5-5-6-6 के ग्रुप हैं। और ये भी एक अटेम्प्ट थी कि पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो नाले हैं छोटे छोटे, ये मैं आपको बता दूं कि बिम्बर गली के ऊपर का जो इलाका है मेन पोस्ट से, ये 3-4 किलोमीटर आगे जो है फॉरवर्ड पोस्ट है जहां पर कि कल अटैक हुआ है, और यहां से ये लोग जो है नाले और जितने भी स्ट्रीम्स हैं जो छोटी छोटी जो नेचुरल स्ट्रीम्स है वहां से इन्फॉर्मेशन कराने की कोशिश की जा रही है, जो कि सेना की फॉरवर्ड पोस्टें जो है उनको रोकती हैं। बख्शी सर, आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, वो बात पूरी नहीं हो पाई कि कैप्टन कपिल कुंडू से क्या मिलने का मौका आपको मिला था, आप उस बात का जिक्र कर रहे थे। हम जरूर चाहेंगे कि एक हीरो की कहानी जरूर पूरे देश के सामने जाए। देखिए, ये अहीरवाल है उनका इलाका, यहाँ के जो जो वीरता है, वीरता की जो वहाँ पे ट्रेडिशन है वो तो दुनिया भर में मशहूर है। याद रहे वही इलाका है जहाँ से 13 कुमाऊं के पूरी की पूरी कंपनी के 114 जवान शहीद हो गए थे 1962 के युद्ध में, मेजर शैतान सिंह की कमान के अंदर मेजर शैतान सिंह खुद शहीद हुए और उनके साथ 114 जवान शहीद हो गए थे, पूरी कंपनी का सफाया हो गया था, और चीनी भी हैरान रह गए थे इस रेजिस्टेंस को देख कर। ये ट्रेडिशनल वीरों की भूमि है अहीरवाल, और यहाँ की जो शुजात और हिम्मत की कहानियाँ ये हमेशा हमेशा से चली आई हैं कि दंतियाँ यहाँ की, और ये बेचारे हमारे कैप्टन कुंडू ने भी बिल्कुल अपनी अहीरवाल की, यही बात जो उन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस पर लिखी थी कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इस जज्बे को उन्होंने दिखा दिया मैदान पर जब उन्होंने आतंकियों से लोहा लिया और वो शहीद हो गए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।